Now let us study the application of MOT theory to homonuclear diatomic molecules. अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर ऑक्सीजन या उससे ज़्यादा हैवियर कोई भी एलिमेंट होता है तो हम उस केस में ये वाला एनर्जी ऑर्डर फॉलो करते हैं. लाइटर एलिमेंट्स के लिए लाइक हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक हम ये वाला ऑर्डर फॉलो करते हैं. दोनों ऑर्डर्स में कितना फ़र्क होता है? सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के केस में जो सिग्मा 2PZ है इसकी एनर्जी रेज हो जाती है as compared to pi 2px and pi 2py. Now we have shown the first 10 elements. जो ऊपर की तरफ लिखा होता है ये एटॉमिक मास होता है, जो नीचे की तरफ होता है ये एटॉमिक नंबर होता है. तो हमने फर्स्ट एलिमेंट 10 एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे उनके मासेस और एटॉमिक नंबर शो कर दिए हैं, लेकिन ये एटम्स के लिए हैं और हम ये जो थ्योरी पढ़ते हैं ये मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ते हैं. ना एटॉमिक नंबर ही हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, ठीक है? तो हम जब भी ये थ्योरी का एप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें मॉलिक्यूल के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं और फिर उन टोटल इलेक्ट्रॉन्स को हम इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में इन ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे. फॉर एग्जांपल H2 है, H2 में हमारे पास कितने एटम्स हैं? दो हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल दो में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर हम सिंगल हाइड्रोजन का कॉन्फिग्रेशन देखें तो वो कितना होता है? 1s1. दूसरे हाइड्रोजन एटम का कितना कॉन्फिग्रेशन है? 1s1. अब हमें ये पता है कि 1s और 1s जब कंबाइन करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टेरिक 1s. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2. तो हम लोअर लेवल से शुरू करेंगे, पहले हम 1 भरेंगे और फिर 2. जब तक ये पूरी तरह से फिल नहीं हो जाएगा तब तक हम इलेक्ट्रॉन ऊपर के ऑर्बिटल में फिल नहीं करेंगे. बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? हाफ ऑफ NB माइनस NA. तो NB क्या होता है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स. NA क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स. तो बॉन्डिंग में कितने हैं? 2. एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0. सो 2 माइनस 0 और यहाँ पे 1/2 करना है तो इक्वल्स टू कितना आ गया? 1. 1 का मतलब क्या है कि जब दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करेंगे तो उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. इसका मतलब ये भी है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है तो यानी कि ये मॉलिक्यूल स्टेबल है और ये एग्जिस्ट करेगा. मैग्नेटिक बिहेवियर में हम कैसे बताएंगे? अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो यानी कि मॉलिक्यूल क्या होगा? डाई मैग्नेटिक. अगर यहाँ पे कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता? पैरा मैग्नेटिक हो जाता. नाउ सी हीलियम 2. हीलियम 2 में क्या है? दो हीलियम एटम्स हैं, एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4. तो दिस इज 1 हीलियम, दिस इज अनदर हीलियम. साइड्स में हम एटॉमिक ऑर्बिटल को शो करते हैं. अब ये कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और उनको हम फिर सेंटर में शो करते हैं. तो जैसे यहाँ पे अब मैंने हीलियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2, दूसरे हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2. अब ये दोनों जब 1s 1s कंबाइन करेंगे तो यू विल गेट सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टेरिक 1s. टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4. तो 1 2 3 4. तो सेंटर में हम हमेशा क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल. साइड्स में हम क्या बनाते हैं? एटम के ऑर्बिटल्स. देन बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ ऑफ NB माइनस NA. NB क्या है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स. NA क्या है? एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स. तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, यानी कि 2 - 2 = 0. यानी कि हीलियम 2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा. और हमें पता भी है कि जो नोबल गैसेस होती है वो मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करती हैं, वो हमेशा मोनोटॉमिक फॉर्म में ही रहती हैं. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्हाई हाइड्रोजन इज डायटॉमिक इन नेचर वेयर एज हीलियम रिमेन्स मोनोएटॉमिक. तो उस केस में हमें ये डायग्राम शो करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और इसी से हमें एक्सप्लेन करके बताना है कि H2 एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता. नाउ लेट अस सी द मैग्नेटिक बिहेवियर. क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं इस केस में तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? डाया मैग्नेटिक होगा. नाउ लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल्स. जैसे बोरॉन 2, B2 या फिर C2. B2 के केस में आप देखेंगे दो बोरॉन एटम्स हैं, एक बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दो बोरॉन में कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम इंडिविजुअल बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखें, बोरॉन एटम्स का,
तो एक बोरॉन का कॉन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s, 2, 2s, 2 एंड 2p1। अब हम दूसरी साइड भरेंगे बोरॉन एटम का कॉन्फिग्रेशन सेम तरीके से, 1s, 2, 2s, 2 एंड 2p1। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5, और 5 मिला के हो गए 10। अब हमें पता है कि 1s और 1s जब कंबाइन करेंगे तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टेरिक 1s बनेगा, जब 2s 2s कंबाइन करेंगे तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टेरिक 2s बनेगा, जब 2p 2p कंबाइन करेंगे तो हमारा ये जो एनर्जी लेवल है इधर का, ये हमारा फिक्स रहता है सबके लिए, जो भी चेंज आता है सिर्फ इधर आता है। तो लाइटर एलिमेंट के केस में सिग्मा 2pz की एनर्जी हाई होती है एज कंपेयर टू पाई 2px और पाई 2py। अब आप ये देखोगे ये 3 और ये 3 6 है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए हैं ये भी कितने फॉर्म हुए हैं, 6 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नाउ हम सेंटर में भरेंगे फॉर B2 मॉलिक्यूल। अब B2 के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, कैसे फिल करेंगे देखिए, 1 2 3 4, जब तक ये पर्टिकुलर एनर्जी लेवल फिल नहीं हो जाएगा तब तक हम ऊपर के हायर एनर्जी लेवल के एनर्जी लेवल्स में नहीं जाएंगे। तो 4 हो गए, देन 5 6 7 8 8 फिल होने के बाद आप यहाँ देखोगे इन दोनों की एनर्जी बराबर है, बराबर है उसका मतलब पहले हमें इन्हें सिंगल ही फिल करना है और उसके बाद पेयरिंग करनी है। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके, तो 9 और ये 10। अब आप इस 10 में देखो, आप अगर आपने गलती से दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में भर दिए तो आपका जो प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूल की वो सारी चेंज हो जाती है, तो इसीलिए हमें कॉन्फिगरेशन बहुत ध्यान से फिल करना है। नाउ लेट अस सी द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं इसका, हाफ ऑफ Nb-Na, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि ये क्या हो गया, हाफ ऑफ 6 माइनस। एंटी बॉन्डिंग में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 कितना हो गया, ये 2/2 यानी कि 1। 1 का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल स्टेबल है और ये एग्जिस्ट करेगा। नाउ व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक बिहेवियर, अब अगर आपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर कर दिए तो आप यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर लिखोगे डायमैग्नेटिक, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हुए ध्यान देना है कि ऑर्बिटल की एनर्जी अगर बराबर है तो पहले हमें उन्हें सिंगल ही फिल करना है, उसके बाद उनमें हमें पेयरिंग करनी है। तो अब क्योंकि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक। नेक्स्ट इज C2 मॉलिक्यूल। C2 मॉलिक्यूल में हम देखेंगे कि दो कार्बन एटम्स हैं, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दो कार्बन में कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब साइड में हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स शो करते हैं और सेंटर में हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स को शो करते हैं। नाउ हम शुरू करेंगे 1s 2s एंड देन 2p से। 1s 1s जब कंबाइन करेंगे तो ये दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग विल बी लोअर इन एनर्जी एंड एंटी बॉन्डिंग विल बी हायर इन एनर्जी। 2s 2s कंबाइन करेंगे तो ये दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, 2p और 2p जब कंबाइन करेंगे तो ये 6 मॉलिकुलर ऑर्बिटल हमारे पास फॉर्म होते हैं। एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम इसको कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली दूसरी साइड में 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गए हमारे एटम के ऑर्बिटल्स। अब हमें फिल करने हैं मॉलिक्यूल के लिए ऑर्बिटल्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 एंड 6 यानी कि 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हमें कैसे फिल करने हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9 10 11 12। ठीक है, तो पहले सिंगल ही फिल किया, उसके बाद जरूरत पड़ी है तो हमने वहां पे पेयरिंग भी कर दी है। नाउ लेट अस सी द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका, हाफ ऑफ Nb-Na। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8-। एंटी बॉन्डिंग के देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया।
तो ये कितना हो गया, 4/2 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब जो C2 मॉलिक्यूल है ये भी स्टेबल है और ये एग्जिस्ट करेगा, और इसके बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। सिंस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, डाया मैग्नेटिक। O2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, कि इन दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ लेते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन इज द बाउंड्री केस, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ऊपर दे आर द हैवियर एलिमेंट्स, तो इनके केस में कॉन्फिगरेशन अलग होता है। नाइट्रोजन के केस में कॉन्फिगरेशन ऑर्डर अलग फॉलो करते हैं हम। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि O2 कैसे बनता है। O2 में क्या प्रेजेंट होता है, दो ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 + 8 टोटल हो गए यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स। N2 में वी हैव 2 नाइट्रोजन एटम्स, हर नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 + 7 इक्वल्स टू हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। ना O2 में अगेन एनर्जी ऑर्डर हम ये पढ़ चुके हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट चेंज कहाँ पर है जो आपको ध्यान रखना है, कि यहाँ पे सिग्मा 2z पाई 2px पाई 2py से नीचे होता है, जबकि इस केस में सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py से ऊपर होता है। तो सिर्फ आप देखोगे इतने ब्लॉक, यानी कि ये जो दो लेवल्स हैं, सिर्फ इन दो लेवल के एनर्जी लेवल में सिग्निफिकेंट चेंज आता है, बाकी सबका जो चेंज होता है वो बहुत माइनर होता है, लेकिन उससे ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होता है, तो ऑर्डर बाकी का सेम रहता है। नाउ साइड में हम ऑक्सीजन एटम के ऑर्बिटल्स बनाएंगे और सेंटर में मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। साइड में हमने ले लिया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन एटम है, बीच में O2 मॉलिक्यूल है। एक ऑक्सीजन का कॉन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p4। सिमिलरली यहाँ पे हमने फिल कर दिया 1s2 2s2 2p4। नाउ टोटल इज 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब सेंटर में कैसे फिल करने हैं हमें, इन्हें देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 12, जब ये सिंगली फिल होंगे 13 14, देन 15 एंड देन 16। अब आप ये देखिए, अगर आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में फिल कर दिए तो आपकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, आपका कॉन्फिगरेशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली बहुत ध्यान रखना है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इस मॉलिक्यूल के लिए, हाफ ऑफ Nv-Na। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, यानी कि वो ऑर्बिटल जिनमें आपका एस्टेरिक नहीं लगा हुआ, ऐसे ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे होते हैं Nb। और Na क्या होते हैं, वो ऑर्बिटल जिनमें स्टैटिक लगा हुआ है, यानी कि ये स्टार लगा हुआ है, उन ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो होते हैं हमारे Na। तो यहाँ पे हमने Nb काउंट किए, ये कितने थे 10। नाउ लेट अस सी Na कितने हैं, 1 2, ठीक है, इसमें स्टार लगा हुआ है ना इस ऑर्बिटल में, तो दिस इज 1 2 3 4 एंड देन 5 एंड 6। सो हाफ ऑफ 10 - 6, यानी कि 10 - 6 क्या हो गया, यानी कि 4, यानी कि 4/2 कितना हो गया, ये इक्वल्स टू 2 हो गया हमारे पास। नाउ 2 का मतलब क्या है, कि जब O और O कंबाइन करेंगे तो इनके बीच में बॉन्ड कैसा होगा, डबल बॉन्ड होगा। नाउ लेट अस सी द पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक। लेकिन अगर आपने कॉन्फिग्रेशन गलत लिख दिया है तो ये मॉलिक्यूल आपका क्या बन जाएगा, डाई मैग्नेटिक। लेकिन ये मॉलिक्यूल होता कैसा है, पैरा मैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे N2 मॉलिक्यूल। N2 में हमने साइड में बनाए हैं नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और सेंटर में हमने बनाए हैं N2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक नाइट्रोजन का कॉन्फिग्रेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p3। अगेन यहाँ पे भी 1s2 2s2 2p3। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14। तो अब देखिए हम इनको कैसे फिल करने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इनकी एनर्जी बराबर है, तो पहले सिंगल ही फिल करेंगे यानी कि 9 10, फिर तो उसके बाद पेयरिंग करेंगे 11 12 13 14। जब तक लोअर एनर्जी लेवल पूरा फिल नहीं होता है, तब तक हम हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग
नहीं करते हैं। नाउ लेट अस सी द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे, हाफ ऑफ एन बी माइनस एन ए। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आप देखो कितने हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 माइनस। अब एंटी बॉन्डिंग देखिए कितने हैं, 1, 2 एंड देन 3 एंड 4। अब आप स्टूडेंट कई बार क्या होता है, जब हम ये एन बी और एन ए के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे होते हैं तो मीन वाइल हमसे कुछ इलेक्ट्रॉन छूट जाते हैं, तो उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एन बी और एन ए के इलेक्ट्रॉन्स देखिए, टोटल मिला के आपके ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होने चाहिए। तो एन बी यहाँ 10 है, एन ए 4 है, टोटल मिला के कितने हो गए, 14। और हमारे मॉलिक्यूल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 14। सो मतलब हमने कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्किप नहीं किया है। देन है 10 और यहाँ लिखा है 6, तो 10 और 6 टोटल मिला के हो गए 16। तो हमारे ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो उसका मतलब हमने जब बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए हैं तो हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है। नाउ कमिंग बैक, ये कितना था, हाफ ऑफ 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 इज 6, 6 बाय 2 इज 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एन और एन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो उसका ऑर्डर कितना होगा, 3। और हमने ये पहले भी पढ़ा है कि नाइट्रोजन के बीच में, दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि दोनों केसेस में बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों ही मॉलिक्यूल स्टेबल हैं और एग्जिस्ट करेंगे। नाउ लुक एट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो इसीलिए इस मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर होगा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि वाई ओ टू इज पैरामैग्नेटिक एंड एन टू इज डायमैग्नेटिक, तो आपको इसमें कॉन्फिगरेशन देना है एंड देन यू हैव टू गिव द रीजन। अब मॉलिक्यूल के बाद लेट अस सी एग्जांपल्स ऑफ आयंस। आयंस के केस में हमें क्या करना है, अगर आयन का कॉन्फिगरेशन लिखना है तो हमें पेरेंट मॉलिक्यूल का कॉन्फिगरेशन देखना है पहले कि क्या होगा। तो पेरेंट मॉलिक्यूल का कॉन्फिगरेशन ने लिख दिया। अब अगर माइनस चार्ज है तो हमें उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, अगर प्लस चार्ज है तो हमें उसमें इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करना है। वो हम कहाँ से करेंगे, जो भी हमारा आउटरमोस्ट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। जैसे अगर ये O2 माइनस है, O2 माइनस का मतलब क्या है कि हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करेंगे हम, ये O2 का कॉन्फिगरेशन था, तो यहाँ पे देखो अब इन दोनों की एनर्जी बराबर है। तो अब आप देखोगे इलेक्ट्रॉन हम कहाँ ऐड करेंगे, जो भी हमारा इन दोनों में से पहले आ रहा है उसमें, ठीक है। लेकिन आप इलेक्ट्रॉन यहाँ भी ऐड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इन दोनों की ही एनर्जी बराबर है। फिर अब O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ ऐड कर दिया है। उसके बाद O2 प्लस में क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, कहाँ से, पेरेंट से। तो पेरेंट का ये कॉन्फिगरेशन था, तो सबसे आउटर मोस्ट में यही इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है, तो हम इसी का इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा देंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। देन इज O2 टू माइनस, O2 टू माइनस में अगर आप पेरेंट में देखोगे, पेरेंट से इसमें क्या हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड कर दिए हैं, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हम कहाँ ऐड करेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस तरह से हमारे ये कॉन्फिगरेशन आ गए। ये जो कॉन्फिगरेशन है ये सिर्फ आउटर मोस्ट के हैं, इससे पहले के जो कॉन्फिगरेशन होंगे वो बिल्कुल सेम रहेंगे। अब हम हर एक केस में क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे और फिर उससे हम निकाल लेंगे इन सबका बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर में आप देखोगे सबसे बड़ा क्या है, 2.5, देन इज 2, देन इज 1.5, देन इज 1। सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का अरेंजमेंट कर दिया, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल्स आयंस हैं उनका अरेंजमेंट कर दिया। अब हमें पता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन, एनर्जी। तो अगर हमसे स्ट्रेंथ का, स्टेबिलिटी का या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है तो वो सेम ही होगा हमारा, जो भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर का अरेंजमेंट होगा। लेकिन बॉन्ड लेंथ इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि जो बॉन्ड ऑर्डर का हमारा ये इंक्रीजिंग एनर्जी या डिक्रीजिंग एनर्जी का जो भी ऑर्डर है, इसका जस्ट रिवर्स हमारा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा। तो आप ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई बार क्या होता है कि दो आयंस का अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है तो हम उस केस में क्या करते हैं, बीच में इक्वल का साइन लगा देंगे। अगर दो मॉलिक्यूल या आयंस का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो वहां पे हम क्या करेंगे, बीच में ये साइन ना लगा के इक्वल का साइन लगा देते हैं। नाउ एमोडी डायग्राम ऑफ आयंस, उसमें हमें क्या करना होता है, O2 को आप समझ चुके हो, जब हम O2 माइनस पे आएंगे ना, O2 माइनस में क्या प्रेजेंट है, एक O है और एक O माइनस है, तो हम एक साइड में O के एटॉमिक ऑर्बिटल शो करेंगे और दूसरी साइड में O माइनस के एटॉमिक ऑर्बिटल्स
शो करेंगे। तो ओके तो आपको समझ चुके हो आप। ओ माइनस में हमें क्या करना है, जो ओ का कॉन्फिगरेशन है उसी में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने थे, 16, यहाँ पे कितने हो गए 17। तो हम जब सेंटर में फिलिंग करेंगे ऑर्बिटल्स की तो हमें 17 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। सिमिलरली जब O2 टू माइनस दिया है, इसका मतलब क्या है कि दो O माइनस प्रेजेंट है, तो हमें दोनों साइड में ऑक्सीजन के एटॉमिक कॉन्फिग्रेशन में एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देना है, और फिर सेंटर में 16 में दो इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ओ टू प्लस में क्या करना है, ओ है और ओ प्लस, तो हम एक साइड में ओ के एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिल करेंगे और दूसरी साइड में ओ प्लस के एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिल करेंगे, और सेंटर में ओ टू प्लस के लिए 15 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे इन द सिमिलर मैनर। नाउ डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है या नहीं है, इस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डाया मैग्नेटिक।